So what do you have learned, there are the two modes. बाई विच एनिमल रिप्रोड्यूस तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दो मोड्स है जिससे कि एक एनिमल जो है वो क्या करता है रिप्रोड्यूस करता है दैट विल बी द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज द ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड द फीमेल गैमिट इज नोन एज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली जिसमें आपका जो मेल गैमिट है और जो फ्यू सॉरी फीमेल गैमिट है उनका जब फ्यूजन होता है और एक जाइकोट फॉर्म होता है दैट विल बी नोन एज द सेक्शुअल

द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ मेल और अगर हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेल का होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड करता है तो उसमें टेस्टिस होती है डक्ट होती है और पेनिस होता है ठीक द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमिट कोल्ड ओवा तो जो ओवरी होती है वो फीमेल गैमिट को प्रोड्यूस करती है जिसको हम कहते हैं ओवा या फिर एग भी कहते हैं और जो टेस्टिस होती है वो मेल गैमिट को प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्म नाउ द फ्यूजन ऑफ अ ओवम एंड स्पर्म इज कोल्ड फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब फ्यूजन होता है ओवम का मतलब एग के साथ जो उस मेल का स्पर्म है जब वो फ्यूज करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज एग इज़ कोल्ड एजगोड तो जाइगोड क्या होता है दिस इज द फर्टिलाइज एग जब एग जो है वो फीमेल का जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है विद द स्पर्म ऑफ अ मेल तो उस चीज़ को हम बोलते हैं जाइगोड फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इन साइड द फीमेल बॉडी इज नोन एज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो जब फर्टिलाइजेशन किसी फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन ठीक है एंड दिस इज़ ऑब्जर्व इन अयूमन बीन एंड अदर ऑर्गैनिज्म तो ये ज़्यादातर ह्यूमन बींग है या फिर कुछ ऐसे एनिमल जैसे हैन है काव है डॉग है तो इनमें होता है फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फ़ीमेल बॉडी तो फीमेल बॉडी के जो बाहर क्या होता है फ़र्टिलाइजेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और ये ज़्यादातर फ्रॉग है फिश है स्टार फिश है तो इनमें पाया जाता है दाइगोड डिवाइस रिपीटडली टू गिव राइस टू इन एम्ब्रियो जायकोड के अंदर क्या होता है जायगोड के अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है फिर धीरे धीरे उसमें और सेल डिवीजन होते हैं और फिर वो एम्ब्रियो से एक फीटस में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन वो पूरा एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है दैट मीन्स वो पूरा एक बेबी बन जाता है नाउ द एम्ब्रियो दैट गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रियस फॉर द फर्दर डेवलपमेंट और उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट के लिए क्या होता है बेसिकली कि उस बच्चा जो है आ, क्या हुआ जयकोड में कन्वर्ट हो गया जयकोड से फिर वो एम्ब्रिय में कन्वर्ट हो और, हुआ और आफ्टर दैट जब वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया सो व्हाट विल हैपन कि वो फिर जो आपका यूटरस मतलब फीमेल का जो यूटरस होता है वो वहाँ पर जाकर चिपक जाता है ठीक है तो उसने क्या किया वो वहाँ पर जाकर चिपक जाता है नाउ द स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटीफाइव सॉरी आइडेंटिफेबल इज नोन एज द फीटस तो फीटस वो स्टेज होती है एम्ब्रियो की जिसमें कि आप सारे पार्ट जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो आपका यू नो बेबी जो बोर्न बेसिकली आपके पेट में डेवलप हो रहा है किसी भी फीमेल में डेवलपमेंट जो हो रहा है यूट्रस के अंदर तो उनके आप इजली डिस्टिंग्विश कर सकते हो क्योंकि आँख कहाँ पर है नाक कहाँ पर है हाथ है पैर है तो एक तरीके से उसमें डेवलपमेंट जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ भाई ये बॉडी पार्ट्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं

फ्रॉग है लिजर्ट है बटरफ्लाई है तो ये क्या करते हैं ये करते हैं ये ले करते हैं एक्स मतलब ये एक्स देते हैं अंडे देते हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं ओ वी पेरस एनिमल्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा एन टू एडल्ट तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें कि क्या होता है लार्वा जो है वो एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है और उसमें कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैटामोरफोसिस द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज नाउन एज द ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो वो वाला रिप्रोडक्शन जिसमें कि सिर्फ एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है उनको हम बोलते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ बर्ड्स तो हाइड्रा के अंदर क्या होता है नया इंडिविजुअल जो है या हम कह सकते हैं उसका नया जो बोर्न प्लांट है बेसिकली जो नया हाइड्रा डेवलप होगा वो क्या होगा वो उसकी बर्ड में से डेवलप होगा और ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं दिस इज नोन एज द बर्डिंग अमीबा रिप्रोड्यूस बाई डिवाइडिंग इट्स सेल्फ इन टू अ टू अमीबा जो है वो बाइनरी फिशन से क्या होता है बेसिकली डिवाइड होता है या हम कह सकते हैं रिप्रोड्यूस होता है जिसमें ये क्या करता है कि एक से दो में कन्वर्ट हो जाता है फिर वो दो से चार में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है इन दिस फॉर्म ये चलता रहता है